हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। तो क्लास 12 के स्टूडेंट, कैसी चल रही है आपकी तैयारी बोर्ड एग्जाम 2021 की? आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से चल रही है आपकी तैयारी। और इस पे मैंने केमिस्ट्री का प्रिपरेशन आप कैसे मिनिमम डेज में, कैसे 30 डेज में ही अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो आप लोग, इस पर वीडियो डाल रखा है। काइंडली जाएं उस वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें उसमें जो कहा गया है, और आप उसको फॉलो करें। 100% फायदा होने वाला है आप सभी का, मैं आपको ये अश्योर करती हूँ कि आपको उससे फायदा मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप उसे जिस तरीके से सिखाया गया है, समझाया गया है, बताया गया है, वैसे फॉलो कर लेते हो तब। तो वीडियो मिलेगा कहाँ? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी आपकी सुविधा के लिए, आप वहां से देख लीजिए। ओके, चलिए अब आपकी तैयारी में थोड़ा सा हेल्प करते हैं हम आपको, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आप सभी बच्चे, क्लास 12 के स्टूडेंट जो हैं, और खास करके जो आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो देना है, जिनको एग्जाम इस बार अपेयरिंग देना है या जिनको देना है एग्जाम, तो उन लोगों को ये मालूम है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से उसका नॉमेनक्लेचर और हाइब्रिडाइजेशन बहुत, और आइसोमेरिज्म, तीन टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तीन जो टॉपिक है, सबसे फर्स्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सेकंड हाइब्रिडाइजेशन, और थर्ड आपका उसका जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो, और थर्ड आइसोमेरिज्म। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो इन क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, वहां का शुरुआत कहाँ से होगा? कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एटम और आयन, यानी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसका जो सेंट्रल मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पहले आप फाइंड आउट करते हैं, देन आप नाम भी लिख सकते हैं, उसके बाद ही आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, उसके बाद ही आप बता सकते हैं कि आपका कंपाउंड मैग्नेटिक बिहेवियर करेगा या नहीं करेगा, आपका कंपाउंड कलर्ड होगा या नहीं होगा, आपके कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब जो भी है ऑल अबाउट, जितना भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जितना पढ़ते हैं, पढ़ना है क्लास 12 के अंदर, आपको सारा कुछ पढ़ने के लिए पहले कैलकुलेशन करना आना चाहिए किस चीज का, ऑक्सीडेशन स्टेट का। छोटा सा टॉपिक है, आई होप कि आपको पता भी होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो इस चीज को जान लें। ठीक है, हो गया। अब देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है लिगेंड। अब यहाँ पे लिगेंड्स जो है कि लिगेंड, तो लिगेंड्स के बारे में देखिए, लिगेंड्स आपको तीन प्रकार के दिखेंगे। एक तो आपको अनायोनिक, ठीक है, और कटायोनिक और न्यूट्रल, पॉजिटिव निगेटिव और न्यूट्रल बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, तो ये तीन प्रकार का लिगेंड दिखेगा, इस लिगेंड के आधार पर ही ऑक्सीडेशन स्टेट निकलता है। ठीक है, तो यहां पे जो भी एग्जांपल मैं आपको कंसीडर करूंगी उसमें जो लिगेंड होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर यानी उसका जो चार्ज होगा वो मैं आपको साइड बाई बताती चली जाऊंगी। और उसके बाद जो पूरा लिगेंड का, जैसे आपको जो लिगेंड्स का कितना चार्ज होता है, कौन सा न्यूट्रल लिगेंड है, कौन सा पॉजिटिव लिगेंड है, कितना किस पे चार्ज होता है, किसके नाम को कैसे लिखा जाता है, ये सारे का आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से पक्का उसे डाउनलोड कर लीजिए और आप उसके लिए उसको अपने कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लिगेंड्स को बिना जाने ना आप नॉमिनिक्लेचर कर पाएंगे, ना हाइब्रिडाइजेशन कर पाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। इसलिए लिगेंड के लिए क्या है, पूरा लिख के मैं बैठूंगी बताने तो बहुत मतलब समय जाएगा और उससे कोई आपका फायदा होगा नहीं। तो लिगेंड्स का पूरा चार्ट मैं आपको दे दूंगी, परफेक्ट चार्ट जो आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए आप लोग। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं कि निकालना कैसे है। ओके, तो जैसे आप देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन एक लिखते हैं हम लोग, सपोज दैट FeCN होल 6 3-। ओके, इसमें क्या है, आपका सेंट्रल मेटल कौन है, फेरस है, और ये लिगेंड है, मतलब मेटल के सराउंड जो होता है कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर जो होता है मेटल से जुड़ा हुआ उसको लिगेंड कहते हैं। तो ये जो साइनाइड लिगेंड है ये एक निगेटिव लिगेंड है। ठीक है, निगेटिव लिगेंड है,
ठीक है ना, तो इसके ऊपर चार्ज कितना होता है -1। ओके ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसका निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर आपको, तो जिसका निकालना है उसको आप एक्स मान लो, मान फेरस का एक्स मान लिया, और सीएन के ऊपर एक सीएन पे -1 है, तो जैसे आप निकालते हैं ना वहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन में उसी तरीके से करना है आपको, एक्स प्लस 6 × -1 और ओवरऑल चार्ज दे रखा है कितना -3, तो आपने लिखना है -3। ये जो ओवरऑल चार्ज है वो लिखते हैं, प्लस होता है तो प्लस लिखते हैं, माइनस है माइनस लिखेंगे, कुछ नहीं होता है तो जीरो लिखते हैं, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स -6 = -3, इसलिए एक्स बराबर -3 + 6 = +3। प्लस का भी महत्व है, प्लस लिखना है आपको, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, या फिर जीरो भी हो सकता है। क्लियर, तो ये आपने देख लिया एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप सपोज कीजिए कि कॉपर NH3 ( 4)2+। ओके, अब इसमें क्या है, कॉपर का निकालना है आपको, तो बता दूं कि अमोनिया जो है NH3 ये न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, और जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं वो चार्ज कितना रखते हैं, चार्ज जीरो रखते हैं, ठीक है। चार्ट आपको मैं जो प्रोवाइड करूंगी आप उसे जरूर से जरूर देख लेना, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद का वीडियो होगा नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इसके लिए जरूरी है कि आप लिगेंड का जानकारी रखें। ओके, तो चलिए चार्ज जीरो हो गया, तो इसका निकालना है आपको, तो एक्स कॉपर का निकालना है आपने, तो कॉपर को एक्स मान लिया, तो एक्स प्लस 4 × 0 = +2 चार्ज, तो +2 लिखेंगे आप, तो एक्स बराबर +2 हो गया, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर कितना हो गया, +2 हो गया। जब आप नॉमिनक्लेचर लिखेंगे इसका, इसका नाम जब लिखना होगा ना आपको, तो ये विदाउट निकाले आप नहीं लिख पाएंगे, इसको निकालना होता है तभी नाम लिखना होता है, इसलिए मैंने पहले ये वीडियो डाला कि आपको ये निकालना आ जाए, जिन्हें आता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जो इनको नहीं आता है वो देखिए समझ आइए, उसके बाद आप लोग तैयार रहिए नॉमिनक्लेचर के वीडियो के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, एक निगेटिव देख लिया, पॉजिटिव देख लिया, एक न्यूट्रल भी देख लेते हैं हम लोग, निकल CO4, ठीक है, तो कोई चार्ज नहीं दे रखा है, इसका मतलब न्यूट्रल है ये, तो यहाँ पे देखिए कार्बोनाइल है ये, तो कार्बोनाइल भी क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है, तो कार्बोनाइल का चार्ज कितना हो जाएगा, न्यूट्रल लिगेंड है ये, तो इसका चार्ज बराबर जीरो, तो निकल का आपको निकालना है, तो निकल का एक्स हो गया भैया प्लस 4 × 0 = 0, क्योंकि कोई चार्ज था नहीं, तो एक्स बराबर कितना आया, जीरो आया। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे तो एक एक लिगेंड वाला था, मान लीजिए कि मोर देन वन लिगेंड हो जाए, मतलब पॉजिटिव निगेटिव लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड साथ साथ आ जाए तो क्या कीजिएगा आप, तो वैसे के लिए भी आप देखिए कि एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए कोबाल्ट NH3 ( 5Cl) 2+। ओके, तो यहाँ पे आपको निकालना है कोबाल्ट का, तो आप कोबाल्ट को क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है, आपको अभी पता है कि अमोनिया न्यूट्रल है इसलिए इसका जीरो हो जाएगा, और क्लोरीन तो सभी को पता है कि क्लोरीन क्या है, निगेटिव लिगेंड है, और निगेटिव लिगेंड है, और सीएल के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1, जितना भी हैलोजन है सब पे -1 होता है, ध्यान रखने में आसानी होती है, तो -1 है, तो देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्स प्लस 5 × 0, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है 0, प्लस -1 क्योंकि एक ही क्लोरीन है इसलिए -1 डायरेक्ट लिखा, ओवरऑल चार्ज +2 + 2 लिख दिया, एक्स प्लस ये तो 0 हो गया, 0 × 5 यानी 0, प्लस -(-)+2, इसलिए एक्स बराबर कितना +2, ये इधर आके माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा +1 यानी +3, एक्स बराबर कितना आया +3, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट कितना हो गया +3। तो आई होप कि जो समझाना था आपने समझ लिया है अभी तक कि करना क्या है, जैसे लिगेंड है लिगेंड पे जो चार्जेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लिखते जाइए, और जिसका निकालना है उसको एक्स मान के बनाइए, आपका बन जाएगा। तो इस मतलब तो आई होप कि आपके समझ में आ चुका है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के साथ रखें, ताकि जैसे ही मैं इसका नॉमिनक्लेचर का वीडियो डालूं तो फटाक से आप देखें और सही सही बनाना सीख जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।